व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर के नए अपडेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, प्यार के साइड इफेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट फ्री फायर के नए अपडेट के वो भी साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर नहीं सुना है तो अभी मेरे से सुन लो। एंड आई नो कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और बिना लाइक के बिना सब्सक्राइब किए, तो फटाफट से जाके पहले लाइक करो फिर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 6.5 के सब्सक्राइबर्स के। अभी तक नहीं किया तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल द एंड ज्यादा वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब लोगों को ना अच्छी चीजें बोलने में पहले अच्छा लगता है, उसके बाद बुरी चीजों के बारे में बोलते हैं, बट मुझे ना हमेशा उल्टा करना अच्छा लगता है। तो अब मैं पहले बुरी चीजें बताऊंगा उसके बाद अच्छी चीजें बताऊंगा। तो फर्स्टली अगर मैं बुरी चीजों से शुरू करूं, या फिर जो मुझे लगता है कि इस अपडेट के बाद स्पोर्ट्स प्लेयर को प्रॉब्लम होने वाला है, वो है शॉटगन यूजर्स या फिर एसएमजी यूजर्स। मतलब जो भी लोग, मतलब ज्यादातर लोग फ्री फायर में, हमें भी पता है कि एसएमजी से शॉटगन कितना ज्यादा ओवर पावर्ड हुआ करता था। अब नहीं, क्योंकि जो नया अपडेट आया है आप लोगों के सामने फैक्ट है। मैंने जरूर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप देख लो। डैमेज और रेंज सब कुछ कम कर दिया गया। अब जो रशर्स होंगे ना, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक चीज तो है फ्री फायर में ना, लोग जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं कुछ कुछ चीजों में, कभी कोई वेपन, कभी कोई कैरेक्टर एबिलिटी। इस बार तो यार उनके तुरप का एक का, यानी कि उनके शॉटगन्स और एसएमजी को ही उन्होंने बहुत ज्यादा कट डाउन कर दिया है। अब कह सकते हो कि ये सारे वेपन्स जो है यूजेबल ही नहीं है, या फिर मतलब कह सकते हो कि जब लूट नहीं होगा तो शायद यूज कर सकते हैं। अब ले उसको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मैं जरूर से देखना चाहूंगा, या फिर कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इन सब चीजों से क्या खुश हो, या फिर आप कैसे इसको टैकल करने की सोच रहे हो। दूसरा नेगेटिव चीज जो मुझे फिर से लगता है कि इससे प्लेयर्स को या फिर टूर्नामेंट में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, पूरा मेटा बदल सकता है, वो है जोन श्रिंकिंग स्पीड। ये गरीना का ये मानना है कि जो शुरुआती वक्त है गेम का, वहां पे थोड़ा बहुत स्लो पेस्ड गेम होता है, या फिर प्लेयर्स बहुत सारा लूट करते हैं, या फिर पैसिव खेलते हैं, या फिर कैंप करते हैं, स्पेसिफिकली कैंप करते हैं, तो उस चीज को हटाने के लिए गरीना ने जो स्टार्टिंग के जोन श्रिंक स्पीड है उसे कम कर दिया है। तो अब आपको लूट के बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अब इस चीज का टूर्नामेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा वो तो हमें इस हफ्ते प्रो लीग में पता लग ही जाएगा। एंड इस सब चीजों से प्लेयर कैसे डील करने वाले हैं ये भी मैं देखना चाहूंगा। देखिए, अब अगर ये टाइमिंग चेंज हुआ है तो इसका मतलब और भी ज्यादा आपको हार्डशिप देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये सारे के सारे ई-स्पोर्ट्स टीमों के लिए, उनके आईजीएस के लिए। अब देखो, जो गन स्किन्स वाले अपडेट आए हैं उससे तो मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो मैं उन सब चीजों को हमेशा हटा के साइड में डस्टबिन में फेंक देता हूं, क्योंकि देखो मेरा काम है ई-स्पोर्ट्स को लेके, एंड इसीलिए मैं जो ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी को हेल्प करता है या फिर उनको जो प्रॉब्लम हो सकता है उन सब चीजों पर जरूर से मेरे साइड से लाइव में डालने की कोशिश करता हूं। तो अब आते हैं पॉजिटिव चीजों पर जिससे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स को कुछ अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो पॉजिटिव चीजों में गिन रहा हूं मैं, वो है रिवाइवल सिस्टम। यस, अब अगर कोई प्लेयर नॉक हो जाता है, उनके टीममेट उनको रिवाइव करते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली एक लेवल 1 का चेस्ट पैड यानी कि वेस्ट और एक लेवल 1 का हेलमेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब, और उसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है कि उनको एक डिफॉल्ट पिस्टल भी मिलता है। अब वो पिस्टल कौन सा होगा डिफॉल्ट में वो आपको पता लग जाएगा, या फिर आपको इन डिटेल गरीना जब आप गेम खेलोगे आपको खुद को एक आइडिया हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक एक काफी अच्छा सिस्टम, क्योंकि पहले क्या होता था कि प्लेयर्स निहत्ते रहते थे तो एक काफी प्रॉब्लम हो सकता उन प्लेयर्स के लिए। अब उनके लिए एक अच्छी चीज है कि आपको एटलीस्ट एक कवर मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट और हेलमेट का होना और एक साथ में पिस्टल का होना काफी जरूरी होता है, एटलीस्ट निहत्ते नहीं रहोगे। अब दूसरा जो पॉजिटिव थिंग जो हुआ है वो है जो लेवल 1 का वेस्ट है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 3 का वेस्ट है, उसमें जो एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन है वो बढ़ा दिया गया है। लेवल 1 के लिए 10%, लेवल 2 के लिए 15%, और लेवल 3 वेस्ट के लिए 20%। अब जो आजू बाजू में आपके ग्रेनेड्स फटेंगे उनको आप एटलीस्ट अब्सॉर्ब कर सकते हो, आप थोड़े देर के लिए बच सकते हो, जो पहले बेयर करना बहुत मुश्किल था प्लेयरों के लिए। इसीलिए आप लेफ्ट राइट में ग्रेनेड फटता था फिर भी आप नॉक हो जाते थे, आपके सिर के ऊपर ग्रेनेड फटता था तो भी आप नॉक हो जाते थे। देखिए, नॉक तो अभी भी होंगे, बट एटलीस्ट प्लेयर्स के पास एक मौका है बचने का, एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा चेंज है जो प्लेयर्स मांग कर रहे थे। एंड उन्हें एक ग्रेनेड को काउंटर करने के लिए, अब जब क्रोनो भी बफ हो गया था तो उसको डील करने के लिए वेस्ट जरूरी था, वेस्ट का प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ाने का, वो अब गरेना ने कर दिया है। अब ये थे मेरे नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स फ्रॉम दिस अपडेट, जो कि जिसका नाम इल्यूमिनेट था बेसिकली। अब देखते हैं कि जब ये गेम में लागू होने लगेगा इससे प्लेयर्स कैसे जूझते, क्योंकि मैं पहले ही मैंने बोला कि मेरा काम ई-स्पोर्ट्स को लेके है। अब देखते हैं कि हमारे ई-स्पोर्ट्स टीम्स या फिर उनके प्लेयर्स इंडिविजुअल आईजीएस
कैसे इन सब चीजों को लेके अडेप्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तब तक आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 7K सब्सक्राइबर्स के भी, तो सब्सक्राइब करें बिना जाना नहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।